सुपर डुपर हिट हो हो हर जगह जाती लोग पागल जाते हैं घर के आगे मेरे अक्सर बहुत लोग खड़े होते हैं कि ऑटोग्राफ लेना है और मैं कहती हूँ मैंने क्या ऐसा किया है कि जी ऑटोग्राफ तो वो बास को तो बेचारी अम्मी कहती है वो यहाँ तो रहती नहीं है पैसों पैसे बहुत ज्यादा लगाओ है मुझे नहीं कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसा लगा के जिसके साथ शायद मेरी बन जाए अच्छा? क्यों क्या होगा आपको इतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मैं सोच में पड़ गई हूँ उन सब के बारे में <laughs> मेरी बड़ी ख्वाहिश है सियासत में आने की ए? लेकिन अब मुझे वो प्लेटफॉर्म अभी तक ये बात कह के, के ना अभी आपके अपने घर वालों को मजीद परेशानी में डालती है, <laughs> है। प्रोड्यूसर तुम्हारे पास आता है बेचारा आता वो मर्सिडीज में जाता वो रिक्शा में सर ऐसे आप मुझे नहीं खाए मैं तो अभी करियर स्टार्ट हुआ है सर पूरी तरह तो डर के मेरे पास आए कि मर्सिडीज क्या बन जाएगी जाने किस जुर्म की सजा मिली मुझे नहीं शायद क्या बेड़ा गर्क <laughs> सर आशिक मिले आशिक मिले बट <laughs>

चेंजेस आ रही हैं वर्ल्ड में हमें भी चेंजेस आनी चाहिए पाकिस्तान के फैब्रिक में भी चेंजेस आनी चाहिए खातिन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें हमें उनको उनका ड्यू जगह देनी पड़ेगी और वो एडल्ट हमें उनकी हर चीज़ का एहतराम करना पड़ेगा यही मेरा ख्याल है दुनिया भी यही कहती है आपको भी इस तरह सोचना चाहिए आइए आपकी मुलाकात हुआ है दो सुपर स्टार से ये मेरा आपको बिल्कुल साफ अभी से बता रहा हूँ ये सुपर स्टार्स हैं दोनों अभी तो खैर ये यू नो स्ट्रगलिंग मोड में होती हैं लेकिन जब ये सुपर स्टार बन जाएंगी फिर ना वो आपको और ना मुझे लिफ्ट कराएंगी इन ना कभी फोन करेंगी कभी मजाक वो भी ये भी कहेंगे कौन है ये <laughs> इस टाइप के एटीट्यूड होते हैं लेकिन अभी इनके एटीट्यूड बहुत अच्छे हैं तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं दो सुपरस्टार्स से कमल खान द ग्रेटेस्ट सुपर स्टार एवर और उसके बाद सुपर दीवा ये देखें इनके अंदाज से ही आपको गया होगा जिस तरह से इन्होंने कैसे आप ठीक है कि आप वो कुछ ये बहुत ठीक है आप, आप, <laughs> आप मेरी आज आपको यकीन करें मैं बहुत नर्वस हूँ ये पहला इंटरव्यू है मैंने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा क्योंकि अनम आई नहीं अनम अनुम सिंह के घर वाले भी डरते हैं इनसे बात करेंगे <laughs> कमाल, जी सर क्या हो गया बेटा जल्दी मतलब क्या आपको जल्दी क्या एक्टिंग बंद करने की आपकी एज देखें लगता है आप स्कूल से निकल के आई हैं आपकी उम्र लगती नहीं है यार आपको तो मुझे मतलब ये मुझे लग रहा है कि चाइल्ड स्टार और मुझे लग रहा है कि तो आपको चाइल्ड लेबर के उसमें भी आ जाती हैं आपके चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं आपके क्या वजुहत हैं जिसकी वजह से आप अदाकारी की तरफ माइल

तो बस हमने दे दिया ऑडिशन और फिर सिलेक्शन हो गई फिर वहाँ से वो हमने ऑडिशन दे या आप अपने आप को हम कहती हैं ना कभी कभार मैं हम अपने आप को हम कहती हैं बड़ी बात है हम 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 आप बहुत सारे तुम और ये अकेली <laughs> तो आपने फिर जी सर फिर मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लोग जबरदस्त जबरदस्त किस्म के ऑडिशन दे रहे थे तो मुझे लगता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा लेकिन जब मैंने नसीब वाली बात कही आपसे तो फिर ये हुआ कि मैं जब मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है

शौक होगा तो कि तो कितने तो तो मर्दों में, में जाके बाकायदा ऑडिशन करे मैं से तो ना पूछे मैं तो मुंह मशहूर हूँ हर जगह जी तो, तो, तो मैं, हमेशा सच ही बोलूंगी अल्लाह खैर करेगा नहीं मैं honestly, मतलब नहीं, नहीं, honestly, शौक होता है आप यकीन करें मैं honestly, 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 से डर रहा हूँ नहीं वो जो आपने बात की हाँ, बिल्कुल होता है कहीं टेंशन इंसान की होती है तभी वो बाहर आ जाती है अब यहाँ तक so, तो ये बात देखिए यहाँ तक जज है देख के शौक हुआ, क्या हुआ आपको क्या था कोई हमारे खानदान में तो ऐसा था नहीं देखते ना टीवी देखते थे जी तो जो भी एक्ट्रेसेस होती थी जो भी एक्ट्रेसेस बहुत सारी एक्ट्रेसेस आयजा खान साजल अली

मुझे लोग पहचानने लगे हैं जिसकी मुझे बहुत खुशी है तो मैं कहती हूँ ये मेरी एक सीढ़ी है सुपर हिट की तरफ जाने वाली। अब्बा ने पहचानना बाबा बहुत खुश हैं वो बहुत खुश होते हैं बहुत खुशी सब खुशी खुशी से सबको बताते हैं आ, तो मुझे ये अच्छा लगता है कितने अर्से हो गए आपको टीवी ड्रामा करते सर मुझे तकरीबन ढाई साल हो गए टीवी ड्रामा कौन कौन से अदाकारों के बड़े बड़े मशहूर अदाकार बताए जिनके साथ आप काम करती हैं सर मैंने काफी अच्छे अदाकारों के साथ काम किया जैसे शब्बीर जान हो गए भैरोवारी हो गए और अली अब्बास हो गए वो भी अच्छे एक्टर हैं आ, चे, चे, जो मैंने अभी किया जावेद शेख के साथ किया तिका अर्डो के साथ किए गाना आपा हैं यार ये तुम सारे ओल्ड की बात हो रही है कोई यंग बच्चे आपके सामने कोई नहीं आता आपको किस तरह का किरदार मैंने यंग के साथ आपके ऑपोजिट कोई हीरो नहीं दिखा रहे हीरो आते हैं मेरे कौन है आपका हीरो अभी तक जब तक ड्रामा में मेरे हीरो बने हैं उसमें है बाबर खान फराज फारूकी जैन अफजल अबुल हसन अब मैं अगर मैं कहूं कि फवाद खान को तुम्हारे सामने लेके हूं तो तुम तैयार तैयार होगी उस ड्रामे बिल्कुल लिए? मैं क्यों नहीं बेटा बहुत बड़ा है उम्र में <laughs> इसलिए बोल रहा सर। मुझे खुतिन मुलाकात आपको बहुत आगे की चीज है आपसे ये भी आपको गाना वाना आता है

प्रोग्राम को लाइक करना आपका फर्ज बनता है तीस साल हो गए मुझे आपके सामने अजीब अजीब तरह से आते हुए इस बाल के समेत अब भी आप पसंद नहीं करेंगे तो पता नहीं कब करेंगे आपका डांस कहाँ से सीखा आपने टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी रिसेंटली कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्टर तो it's just not, it's just not कि आप तैयार होके बैठ गए कैमरे के सामने ये नहीं है एक्टर को तो यू नो खैर आपसे तो तो आप भाई एक्टर को हर चीज आनी चाहिए एक्टर को डांस भी आना चाहिए गाना भी आना चाहिए हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए मोटरसाइकिल चलाने भी आनी चाहिए गाड़ी चलाने भी आनी चाहिए कब कुछ नहीं पता क्या पता आपको क्या कैरेक्टर मिल जाए हो सकता है आपको कोई घोड़ा चलाना चलाना पड़ जाए मोटरसाइकिल भगानी पड़ जाए यू नो घोड़ा चलाना भी आता है

तो उस वक्त बहुत सारे बच्चों को नहीं होता वो शुरू तो पता नहीं शायद क्या मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा था या आप शरारती भी नहीं थी मैं शरारती भी नहीं थी मैं पढ़ने में लगी होती थी और उस वक्त इतना छोटा मतलब वो तो बिल्कुल ही एक आई वजन लिव इन अडल्ट मतलब यहाँ पे तो 18 साल के बाद आपको एडल्ट समझा जाता है बाहर के मुल्कों में 12 साल के बाद आप एडल्ट <laughs> हो तो जाते हैं ऐसे मुश्किल थी इसका मतलब है आप बचपन से मेरे ख्याल बड़े अजीब से थे मुझे लगता था कि मुल्क में सही नहीं हो रहा 15 साल का बच्चा

नहीं इत, इत, शेर का बेड़ा जाने किस जुर्म की पादाश में सुलाए गए हैं लोग जाने किस जुर्म की पादाश में सुलाए गए हैं लोग किस जुर्म की सजा मिली याद नहीं वो दूसरा शेर है और जाने किस जुर्म की पादाश में जगाया गया हूँ <laughs> जो तुम कह रही हो वो कोई और शेर है ये आपको समझ उर्दू अच्छी नहीं है आप मेरी उर्दू है लेकिन मैं दो शेरों को मिक्स कर रही हूँ हाँ, काफी ज्यादात बस आपको कोई अच्छा शेर अगर मैं पूछूँ आपसे कोई अच्छा शेर को सुनाए जो आपके जहन का गमाज हो जो किसी शायर ने आंखें बंद करके अनम को सोच के लिखा हो क्या होगा वो शेर आपको पसंद कोई शेर बताए शाह याद नहीं आप शायराना नहीं है

कोई पता नहीं मुझे नहीं कोई शोबिस इंडस्ट्री में कोई ऐसा लगा के जिसके साथ शायद मेरी बन जाए अच्छा क्यों क्या होगा आपको आपको इतनी डिसअपॉइंटमेंट <laughs> नहीं मैं सोच में पड़ गया हूं उन सब के बारे में जो मेरी अभी नजरों से गुजरे वो सारे अदाकार रवि तीनों रात थोड़ा सा शौक के बाद <laughs> <laughs> ब्रेक अभी आया आप देख हैं जिंदगी में आपका पुराना होस्ट बाबा होस्ट इसके नीचे यकीन गंज है आप बिल्कुल को फिक्र न करें जी है मजाक उड़ा लें लेकिन आज जो मेरी खुशकिस्मती के अनम तनवी आज आई हुई है और अपने फलसफों से पूरे पाकिस्तान को आप पंद्रह साल की उम्र से बताना चाहती थी दुनिया को कि कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए अब बता दें आप पूरा बताएँ इस वक्त कि आप यह समझती हैं कि पाकिस्तान के मुशी सियासी समाजी हालात कैसे ठीक हो सकते हैं जब तक आप खुद को सही ना करें एक मुझे ही मुझे तो ठीक कर करके कर कर। मेरी बात आप कर रही अंदर से मैं फर्दी वाहिद की बात कर रही हूँ कि आप जब, जब, तक, तक अंदर, आप, से पाकिस्तानी अंदर से आप पाकिस्तानी अंदर से अंदर से खुद सही ना हो तो कुछ भी नहीं होगा हम एक मतलब एक सरबरा को हम ब्लेम करते रहे कि जी उसने ठीक करना है भैया आप पहले खुद तो ठीक हो एक बंदा खुद अपनी इनफरादी तो कोशिश करे हम इंतरादी कोशिश ही नहीं करते हैं हमारे अंदर नहीं है नहीं, है। नहीं है। हम घर से बाहर निकलने से लेके काम से घर वापस आने तक आप देखें हम कितने है अपने काम कितने में। लोगों को जाके आपने ऑब्जर्व किया है इस किस्म के हर किसी को ऑब्जर्व किया झूठ हम बोलते हैं काम में ऑनेस्ट हम नहीं है गंदगी हम फैलाते हैं कचरा घर के आगे मतलब अपने घर में तो कचरा समेटते और बाहर फेंक देते दे गलियों में तो मतलब ये एक ये एक मॉरल करप्शन है जो मुझे लगता है कि एक एज सुस, अ सोसाइटी अगर जब तक हम मॉरली सही नहीं होंगे मैं किसी अच्छा तो इस किस्म हाँ। की जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो अब हाँ। हम एक मिनट के लिए हाँ। अनम तो गलत बात कर ही नहीं सकती तो मैं आपके तो मैं आए, आए, आप बिल्कुल अगर सही हैं तो सवाल ये है कि कहीं से तो शुरू किया जाएगा नम कहां से शुरू करें सर अपने आप से शुरू करें ना अपने आप से तो मैं करके मुझे आपने क्या गंदगी देखी मैं खुद सही करती बेटी -बेटी बेटी है घर से होती है फिर मोहल्ले से होती है फिर इलाकों से होती है बट खैर ये तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि तुम्हारे अंदर सियासी को बंदा है औरतों तो आना चाहिए सियासत सियासत में में मरियम मेरी, को की मेरी बड़ी, मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश है आने लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म अभी तक ये बात कह के ना अभी आपके अपने घर वालों को मजीद परेशानी में डालती है <laughs> आपके वालदेन आपके बारे में क्या सोचते हैं खुद ही बता दें आप खुदा का मेरी माँ ये सोच मेरी माँ कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या अवार्ड ले रही हूँ मैं क्या परफॉर्मेंस दे रही हूँ ना शायद को भाई वो वो इम्यून हो गए कहते ना नहीं तुम्हारे उनको अब देख देख के उनको एक फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या अवार्ड लेकर आ रही हूँ तो माँ को ये फर्क पड़ता है कि या तो मैं जल्दी घर आ जाऊँ तो आज कहाँ गई थी ड्रामा कर रही और उसके बाद अगर मैं उनको ये बता दू की मुझे कोई लड़का पसंद है तो बस वो खुश हो जाएगी और उनकी

और अनम तनवीर आपके खिलाफ हुई नहीं तो, तो दुनिया में सिर्फ फरिश्ते आएंगे आपके तो तो लिए हम जो बोलते। तुम्हीं बोलते। तुम्हीं बोलते। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती कमल लेकिन मुझे लगता है ये आप ही बोलती है एक मैंने बात सीखी है कि अगर आपने अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो आप खुद से झूठ ना बोलें खुद से से झूठ झूठ ना बोले का मतलब ये मैंने रास्ते में देर हो गई तो मैं रास्ते में घंटे से मैं रास्ते में घर में बैठी हुआ <laughs> तो ये बात ये होती है आप बता दे और घंटा लगेगा मैं मुझे देर होगी yeah. तो कमल ये ना किया करो ना बेटा क्यों करती हो तुम्हारे सामने पे कह नहीं पड़ है उसको तुम तुम ये क्या कर रहे तुम दो घंटे गाड़ी में बैठती नहीं हो नहीं, और गाड़ी बाहर खड़ी रहती है और तुम पहुंचते नहीं हो यंग पीपल के बारे में ये डिसिप्लिन के खिलाफ हो तुम लोग नहीं नहीं हम तुम लोग, लोग एक लोग दो तुम लोगों के खिलाफ बातें हैं एक के तुम लोग बड़ों का अदब बिल्कुल नहीं करते हो नहीं। बड़े फनकार ऐसे बैठे रहते

तुम लोग <laughs> तुम लोग बेअदब हो तो दैट इज द राइट वर्ड बेसिकली बेअदब नहीं मुझे लगता है ऐसा कि शायद हो सकता है इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो किसी के साथ दैट्स व्हाई शी इज सेइंग सच थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर बंदे के बारे में बट मुझे लगता है कि generally जो भी जनरली ऐसा, ऐसा नहीं है क्योंकि जब जिनके साथ मैंने काम किया वो भी यंगस्टर्स हैं और जब मैं मैं भी एक न्यू लड़की हूँ जो इंडस्ट्री में अभी आई है

क्योंकि वो शायद अब जो आपका टीचर है वो उतना Basically, अच्छा नहीं आई विल कि जो आजकल की यंग लॉट आ रही है, अच्छी बात है हम इनकेज करते हैं लेकिन उनका काम में इंटरेस्ट नहीं है। है ना

ट्रेनिंग हो कि आप इस तरीके से नहीं करें, बिकॉज़ जो एक न्यू बी आ रहा है मार्केट के अंदर वो देखेगा अच्छा व्हाट आर द पर्सन इज आस्किंग से अपना करियर आई ओवर और ये सब चीजों के बारे आप एक दोनों से मेरे सवाल पूछ तो मैं तो जिंदगी में इतने ऐसे, ऐसे किरदार कर चुका हूँ जिससे मुझे चिड़ थी मुझे भी मैं वो दो तो चक्कर पे लगने लगा तेरे इतने गंदे गंदे प्लीज मैं बिल्कुल तो को रिश्ता भी आ जाए इसी चक्कर में आपसे दरखास्त है कि जो सीरियस हजरात हो देखे मेरी बात सुने मर्द नहीं जो सेकुलर लोग प्लीज एक तो ये बात सेकुलर सेक्यूलर आपको समझ नहीं आया कि सेकुलर क्या होता है सेक्युलर होता है कि आपका कोई भी नजरिया है हर नजरिए को आप ओके करें <laughs> यही मतलब तो है तो ये एक तो वो सेक्युलर हो गया हाँ। दूसरा क्या उसके अंदर होना चाहिए ये भी बताओ बताओ ये उसके अंदर बाकी हाँ। सवाल हाँ हाँ ये रिश्ते रिश्ता बराए अनम तनवीर दरखास्त इनकी वालदा ने की थी मुझसे कि इससे खुदा वे का वास्ता ये तो पूछ लो कि वो किस किस्म का मर्द होगा जो तेरे से शादी ते करें मैं बता। एक मिनट मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद मैं अभी वापस आता हूँ ब्रेक के बाद फिर इनसे बात करेंगे आप देख रहे हैं जिंदगी में सुनो इस वक्त तनवीर उनकी वालदा ने मुझसे दरखास्त की थी कि एक ऐसा शख्स एक ऐसा लड़का जो इनके लिए मौजूद हो वो इनके सामने पेश किया जाए तो मैं ये तो नहीं कर सकता लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि अनम से ये पूछा जाए कि अनम किस किस्म का मर्द पसंद है, जी जिनका वो इंसान जिसका माइंड जो है वो लिबरेटेड हो लिबरेटेड से मुराद? लिबरेटेड से मुराद है

मर्द हैं वो गधे मेरा मेरा नहीं नहीं गधे वधे नहीं है आप लग रहा है मुझे आपसे आप, आप ऐसे ही लग रहे मैं मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि देखिए दोनों जेंडर्स को आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए लंबा हो चौड़ा हो आम, एथलीट हो म, मेरा ये भी मेरा एक बड़ा मसला है कि जी मैं मैं हूं तो क्या, क्या उसको वो मुझे बोलते मुझे मुझे आपको आ, नी, आपको नहीं मिल मिल रहा तो तो कैसे मिल सकता है, वो मुझे है मुझे काबले के हो, मतलब आप देखें तो खुशी हो नहीं वो लिबरल है तो हाँ, अगर वो है, तो जो भी शक्ल हो ये क्या ये नहीं हो सकता मैं, शकल भी अच्छी चाहिए अब ये और उसकी अगर आमदनी आपसे कम हो तो तो कम ना हो बराबर तो ये क्या बात हुई तो नब्बे तो तो मुझे क्या जरूरत पड़ी नहीं? नहीं। यार ये तो तो मैं बहुत... ऐसे बंदे से शादी करूँ जिसकी तनख्वाह मेरे से कम हो पर मैं ना ही करूँ तो अच्छा है इस दौरान सर मोहब्बत ये देखें खबर नजर आती है मैं बिल्कुल साबत कोई आजकल अव्वल तो जेन्युइन मोहब्बत रही नहीं यार ये क्या कहते हैं लोग यार बिल्कुल सही कह रहे मोहब्बतें नहीं इसकी रही। मत आजकल इसकी अभी बड़े ख्वाब हैं मुझे तो बात करने दे अच्छा। जैन मोहब्बतें आजकल वैसे ही नहीं रही आप उठा के देख लें बिजनेस की शादियां हो रही हैं तो जी किसी के बिजनेस से शादी हो रही है किसी किसी की तनख्वाह से शादी हो रही है किसी के स्टेटस से शादी हो रही है तो ये ये तो मुझे तो कोई नजर नहीं आई इस तरह की शादियां होती है पीछे कोई ना कोई रीजन होता है तो खैर मैं पैसे क्या मैं... रीजन होता है पैसे रीजन होते हैं और क्या होता है तो उनकी मोहब्बत पैसा होती होगी तो करोड़पति या खरब पति मुझे तो अरब पति से कम लगी नहीं मैं अच्छा ये का, 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 सवाल का, किया हाँ, भी, ये। अच्छा देखें देखे, शुक्र है अल्लाह का एक सवाल अच्छा जी इंसान को दिल का करोड़पति खराब पति होना चाहिए अगर आपका दिल ही नहीं है खर्च करने का तो फिर आप भले खराब पति हो करोड़पति हो आप फिर खर्च ही नहीं करेंगे तो थोड़ा सा पैकेज दिखाते हैं ठीक दिखा है ना है। ये ये तो कमल आ गई ये तो बहुत पुरानी तस्वीर लग रही है बेटा ये क्या हरकत है कि आंखें खराब हो जाती है ये सुपरस्टार कमल खान ओह हो 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 बड़ा ओह दिस इज रियली सिदा हम्म हम्म आ हा हा ये कौन से मुल्क में भागी हुई ये इंग्लैंड की है मैं शो करने गई थी वहां पे तो अच्छा ये कौन है ना मैं हूं और कौन तुम तुम्हारी शक्लें बदल रही है यार तुम किस किस्म की जादूगरनी टाइप औरत हो यार मेरे सामने तो कुछ और लग रही हो यहाँ कुछ और थी तुम हैं ये क्या हो क्या रहा है अजय तुम तो से एक्टिंग एक अजीब सा काम है जी सदली आप आएंगे खाना है एकदम आ गया आंसू हाँ, आ आ आ आ हाँ। निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी जल दोनों लोग हाँ। चलो मेरे कॉम्पिटिशन लगते हैं आपसे दरखास्त अपना मेकअप खराब किए बगैर एक आंसू निकाले इनका टाइम शुरू देखिए यही है शॉर्ट शुरू होने वाला है आप इसमें देख लें एक दूसरे को जल्दी करें वन टू गो मेरे हाथ <laughs> से नहीं आ सकते अभी भी टाइम है सोच लो वो देखो वो देखो रोने लग गई इतने आ गए आई कुड सी इट यस आई आप like. यकीन कर मगर ये जो थी नहीं, ये फेल सी कुछ होती हुई दिखाई दी मुझे कमर तुम जब ट्राई नहीं करोगी बेटा तुमने पहले मुझे देखे ही नहीं करती थी

मतलब कि उस ड्रामे के अंदर अब्बा का दादे अब्बा को याद करके रो रहे का सबसे वो अब हमारे बड़े अदा थे शकील उनका अगर एक दफा टूटी खुल जाए ना रोने लग जाए बस फिर दो घंटे रुकते नहीं ऐसा होता है मैं भी ऐसे ही हूँ मगर मैं सिर्फ कैमरा जब चलता है उससे रोता हूँ ताकि उस वक्त

तो जी मैंने उन लोग को देख के एक्टिंग करना स्टार्ट किए लेकिन मेरी मोटिवेशन वो नहीं होती जब भी भी कभी मैं किसी सीन में जाती हूँ तो मैं फिर उस कैरेक्टर के अंदर जाती हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली आपके आंसू क्या आप उस, उस सिचुएशन में चले जाते हैं yeah, तो मेरा ये होता है हाँ फिर yeah. मेरे अब जब जहाँ पे सीन की प्रप्रेशन हो रही होती है जब हल्की फुल्की लाइट्स हो जाती हैं मैं मेकअप रूम से बाहर आके अपनी लाइन्स उस सीन के इन्वायरमेंट में रीड करती हूँ तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोचूँ या करूँ आई एम दैट कैरेक्टर नाउ और अब उसके पास साथ जो हो रहा है बस अब वो मेरे साथ हो रहा है अरे ये मुझे बताओ अनम के yes. बहुत बोर हो गई हो तुम ये जो तुम नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ नहीं बोर हो गई हो अच्छा साजिद भाई मेरा मेरा जो है ना जैसे कि बाज एक्टर सेट पे जाके परफॉर्म करते हैं। मेरे लिए ये पूरी मेरी लाइफ इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्योंकि द मोमेंट व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ हर वक्त एक्टिंग करती रहती है नहीं कभी तो तेरी मां को नफरत हो गई तेरे से हां मेरे से भी एक्टिंग कर रही है यू हैव टू लिसन टू मी अब मैं घर से बाहर निकली हूं

भाई मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ आई एम इन फैक्ट वेरी फनी मैं इस कदर मेरे अंदर ह्यूमर है अदाकारों में एक्टर्स में हाँ. मर्द हजरात में कौन कौन पसंद है आपको अनम को ये लंबी सी सांस आ गई ले दे किसी बाबे मरे वाले का नाम <laughs> अहमद हसन के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो उसमें विट उसका अच्छा है ओके okay. और फैसल कुरैशी के साथ मुझे काम करके अच्छा लगा अच्छा लगा और कर लेता है बेचारा एक्टिंग

आप कुछ पॉइंटर्स देना जो हो चुका है ऑलरेडी उसमें से बताएं हाँ जो हो चुका है जैसे मैंने सर एक टेली फिल्म बहुत शॉर्ट फिल्म किएटूब के लिए जो चैनल्स होते हैं उसके अंदर मैंने बहुत सिलेक्टिव स्क्रिप्ट सेलेक्ट किए हैं जैसे में यू डोंट हैव मच चॉइस बट आपके पास यूट्यूब पे होती है इतनी चॉइस कि आप करें तो मैंने जो दो से तीन करी हैं फिल्म

मुझे एज की मुझे कोई फस नहीं है I mean, uh, नहीं के कोई ना thing, हाँ। है नहीं, वो, वो तो आप पाँच दस साल बड़ा हो बस दस साल से बड़ा ना हो अच्छा अभी तक उसी बैठी मैं तो आखिरी वक्त किया था मुझे अपनी उम्र से छोटा भी चलेगा मुझे वो इतराज नहीं है कि जी ये मेरे से बड़ा ही हो है? कोई हाँ तो उसमें क्या है आप क्यों मायने को छोटा हो तो उसमें, उसमें क्या है हाँ, कोई बुराई है कोई बुराई नहीं तुम्हें भी कोई बुराई नहीं नहीं, मतलब नहीं नहीं मतलब कोई कोई बुराई बुराई तो कोई बुराई नहीं ओके हाँ, कमल अपने बारे में क्या क्या बताओ कौन सा किस टाइप का क्या, अब्बा के अब्बा के अम्मा को छोड़ सर मैंने आपको बता दिया कि मैं मुझे जो मिलेगा

सौ करोड़ से ऊपर हो तो मर्द के लिए सौ करोड़ अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं दिल है की बात हाँ, की है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल आप हमें शर्मिंदा ना करें मैंने दिल कर दिल दिल कर करें। मैंने दिल की बात गलत मैंने दिल की बात की थी कि इंसान को दिल से खुला दिल होना चाहिए तो फिर टका जेब में तो खुला दिल के दिल से हो जाएगा ना दस रुपए और आपकी आपका दिल ही नहीं है खर्च करने का वो तो पहले कर होगी दस रुपए वाला चलेगा मिसाल दे रही हूँ ना मिसाल की हद तक

किसी एक्टर से रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका जर्फ अच्छा होना चाहिए ये बात। आपका दिल खुला होना चाहिए ये बात आपका अगर नहीं है दिल दिल से अगर आप इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं दिमाग से तो, तो, फिर तो फिर एक्टर से शादी ना करें हां मेहरबानी वो का गाना I mean, आपने सुनाना था सुना दो मिस दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे मेरी है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे हो oh. oh, mm. दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे दीवाने चुप कैसे रहे आओ दुनिया से ये कहे जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं ना मिला के नहीं ओ <laughs> जी गवती नलजा थैंक यू वेरी मच वेरी गुड द ब्यूटीफुल You sing well, um, you, sing well. you sing well, uh, you sing well, देखो अच्छा गाती है। बहुत अच्छा, बहुत डांस इससे ज़्यादा अच्छा करते थे कि मैं नहीं करवाऊँ। Q&A की जानिब से क्यू एन एन फ्लेवर ये नए फ्लेवर हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये मैं आप समझे कि मेरी अपनी कंपनी है wow. ये कहते हैं बिकॉज वी केयर फॉम मदर इन राइट और आखिर में जाते हुए पाकिस्तान जिन्दवार! जिन्दवार!